नमस्ते दोस्तों, रहस्यमय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। सुभगा किन्नरी साधना। दोस्तों, सुभगा किन्नरी का प्राचीन ग्रंथों में बहुत कम वर्णन मिलता है। प्राचीन शास्त्र में एक स्थान पर उन्मत्त भैरव जी से भैरवी प्रश्न करती है कि सभी साधनाओं के अतिरिक्त किन्नरी साधना के बारे में भी बताएं। तब भैरव जी कहते हैं, देवी, ये गोपनीय साधना है, किंतु सरलता से सिद्ध होने वाली है। यदि पुरुष में आत्मबल है तो वह अवश्य इसे सिद्ध कर लेता है। जिस प्रकार कुबेर राज के दरबार में किन्नरियाँ उपस्थित रहती है, उसी प्रकार सिद्ध होने के बाद यह सुभगा किन्नरी साधक की सेवा हेतु सदैव नौछावर रहती है। यह किन्नरी पुरुष और स्त्री दोनों रूप में रहती है, अतः पुरुष या स्त्री साधक दोनों इसे सिद्ध कर सकते हैं। भगवान शिव के अनुसार सुभगा की सिद्धि हेतु साधक को निराहार रहकर मात्र जल सेवन से निरंतर 3 दिन साधना करनी होती है। इस हेतु निर्जन वन का ही चुनाव करें। रात्रि के 9 बजे के पश्चात यह साधना आरंभ करें। यह प्रक्रिया प्रति रात्रि में 3 दिन तक करें। किसी भी शुभ नक्षत्र में इसे प्रारंभ करें। प्रति रात्रि 10,000 बार इस मंत्र का जाप करें। इसका मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीं सुभगे किन्नरी स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जाप करें। इसके पश्चात दशांश हवन करें, तभी साधना पूर्ण होगी। साधना संपूर्ण होने पर किन्नरी प्रकट होगी और वह प्रेमिका या मित्र रूप में साधक को सिद्ध होगी। सिद्ध होने पर नित्य वह साधक को स्मरण मुद्रा प्राप्ति के मार्ग बताती है। यह साधना गोपनीय रखें, किसी को भी न बताएं। सिद्धि प्राप्ति हो जाने पर भी अति गोपनीय तरीके से सिद्धि का प्रयोग करें। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।